इसमें दो बात है, एक है कि नो आर्टिस्ट को इंट्यूटिवली स्वयं लगना चाहिए कि इस थीम का या जो भी सब्जेक्ट है उसको उसका कोरियोग्राफी करे। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग हमें बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। अगर कोई और हमें बोलेंगे कि ये आइडिया करो, ये करो, हम परफॉर्मेंस देंगे आपको, इसके ऊपर आप करो, तो पूरा ध्यान नहीं होता उसमें, क्योंकि आर्टिस्ट को इंट्यूटिवली आना चाहिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विदिन द आर्टिस्ट, यू नो। जब वो होता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप देख स्टेज में देखोगे ना, उसका बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे ये तो ये है, आई मीन इनकी मन है, इनकी सोच है, इनकी विचार है। सो एक तो आइडिया ऐसे आना चाहिए स्वयं अंदर से। दूसरा, अगर उस आइडिया को आप कोरियोग्राफ करना है, कैसे करोगे आप? आप डांसर हो तो सिर्फ, आप पेंटर नहीं हो कि आप कैनवस लेके पेंट करोगे, या म्यूजिशियन नहीं हो कि आप जो भी पॉपुलर सॉन्ग्स है उसको गाना शुरू करें, है ना। तो व्हाट आई डू इज़ आई मेक अ स्क्रिप्ट। जो आइडिया है वो आइडिया को डिवेलप करना है, डिवेलप करके मैं पहले स्क्रिप्ट बनाती हूँ। स्क्रिप्ट बनाने के बाद मैं बहुत सारे टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट और सब टेक्स्ट तो जो है उसको पढ़ती हूँ। पढ़ के लेखक जो लिखते हैं या पोएट्स जो लिखते हैं, उनका आइडिया क्या है, क्यों लिख रहे हैं, इस कैरेक्टराइजेशन इनका कैरेक्टराइजेशन ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि एक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, राम सीता थिंग, गॉट मैरिड, फॉरेस्ट गए, रावण आ गया, ये नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी विच अ लॉट ऑफ पीपल कोरियोग्राफ, रामायण बोल के या जो भी बोल के कोरियोग्राफ करते। मगर मैं नो आई हैव नेवर डन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लाइक दैट। मैं कभी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अरे रामायण का एपिसोड आप क्यों नहीं करते, महाभारत, बहुत सारा महाभारत का एपिसोड मैंने कर चुकी हूँ, बहुत सारा रामायण की एपिसोड भी मैं कर चुकी हूँ, मगर मैं कैरेक्टर्स को लेती हूँ। जैसे आपने कहा सीता, सीते सीता के बारे में उस वक्त जिस वक्त मैंने किया ये, बहुत लोग सोचते थे कि वो बहुत डोसाइल है, बहुत कमज़ोर है, और उसकी जो टिमिड टिमिडनेस, उसकी जो डोसिलिटी है, और जैसे अब कुछ लोग बोलते थे कि वो शी इज़ द आइडियल वुमन। सो वो आइडियल वुमन ऑलवेज हैज़ टू बी बिहाइंड हर हस्बैंड, एन आइडियल वुमन हैज़ टू लिसन टू हर हस्बैंड एंड टू हर इन लॉस एंड टू हर एनीथिंग, दैट शी शुड नेवर हैव एन ओपिनियन, दैट शी शुड नेवर हैव अ काउंटर ओपिनियन। आई मीन वन इज़ टू हैव एन ओपिनियन, द अदर इज़ टू हैव अ काउंटर ओपिनियन। सो सीता इज़ द आइडियल वुमन, सीता दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू मी द क्रिएशन ऑफ द पेट्रियार्कल माइंड। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और वो सबका अपना अपना स्थान देते हैं, उसकी मतलब से एक वुमन का भी अपना स्थान होता है, चाहे वो सीता हो या चाहे वो द्रौपदी हो, उनको एक स्थान पे बिठाते हैं, उस स्थान पे पूजा भी करते हो, और उस स्थान पे आप बोलते हो कि इस नारी कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, वापसी जवाब नहीं देना चाहिए, उसका अपना मन नहीं होना चाहिए, उसका अपना विचार नहीं होना चाहिए, उसका अपना आइडियाज नहीं होना चाहिए। डोसाइल, टिमिड, डिग्निफाइड, उत्तम नायिका कभी बोलती नहीं है, सर झुका के नमस्कार करके बोल। इस जमाने में अगर आप ऐसे बोलेंगे कोई भी आपका विचार सुनेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी जमाने में, कभी भी युग में, हम तो हम द्वापर युग की बात बोल रहे हैं, जब राम रामायण की बात बोलते हो, तो सीता वो तो स्वयंभू थी, स्वयंभू, राम स्वयंभू नहीं था, सीता थी, वो अपने आप जन्म लिया, मदर अर्थ की गोद से
वो भी यू नो किसी और के नहीं, अपने आप जन्म ली. सो वो कैसे डोसाइल हो सकती है बताइए, जिसका जिसको यू नो जन्म से आई मीन अपने आप जन्म लेना है और मृत्यु आप वो चूज कर सकती है. अपनी मृत्यु अगर आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको बीच की जिंदगी में यू नो डर कैसे होगा, डर की बात ही नहीं है. क्योंकि जब चाहे कि मैं बोल सकती हूँ मेरी माँ को वापस ले लो गोद में, पृथ्वी वो मेरी माँ ऐसे वैसे माँ नहीं है, पृथ्वी है, मुझे ले लेगी, वही माँ ने मुझे लेके आई यहाँ पर, तो मुझे किस बात की डर है. सो इसलिए मैंने सारे कुछ पढ़ा और उसमें यू नो आई फाउंड आउट दैट सीता वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. वो वेदवती भी थी ना पिछले जन्म में, और वो वेदवती की यू नो रूप में और अवतार में उस वक्त भी रावण आया था छेड़ने के लिए, कोशिश करने के लिए, मनाने के लिए, जैसे आप बोलोगे. तो उस वक्त भी उन्होंने मना किया था, अपने आप को बचाया था रावण से. वो राम को बोलती है 3-4 बार उसकी बातचीत बहुत मुझे यू नो अवेकन किया, जैसे हम बोलते हैं ना लाइक सडनली स्ट्रक मी. जिस वक्त यू नो दशरथ आके राम को बोलता है कि ऐसे ऐसे है तुम्हें जाना पड़ेगा, और राम आके यू नो लक्ष्मण को बोलता है कि मुझे जाना है. ओके सो लक्ष्मण भी तैयार हो गया जाने का. सीता को बोलता है हाँ आप इधर ही रहो, यू आर अ प्रिंसेस, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मैरी भरत माय ब्रदर, बिकॉज माय भरत माय ब्रदर इज गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ अयोध्या. आप जानते हो ये. तो हमें पता ये नहीं है कि उस वक्त सीता ने राम को कहा तुम मर्द हो, कैसे मर्द हो तुम कि जिंदा होके तुम मुझे बोल रहे हो अपने भाई से शादी करने के लिए. वो है उस टेक्स्ट में कि सीता ऐसे जवाब देती है राम को. तो राम को लगता है सडनली क्या करना, तो मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी. ठीक है. सो सीता बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी इन रामायण. सी बिकॉज इन एनी स्टोरी इन एनी यू नो थिंग यू हैव टू हैव सम मूवमेंट, डायनामिज्म होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए. और इधर मूवमेंट देती है सीता, और राम लक्ष्मण जाते यू नो वनवास में 14 साल वहाँ पर ख़त्म करके वापस आए, यू नो आके ही बिकम्स द किंग. उसका अचीवमेंट क्या है? जब सीता जाती है उनके साथ उस वक्त ये सब मारीच का स्टोरी, रावण आना, शूर्पणखा आना, और रावण ने यू नो जटायु का वध करके सीता को उठा के लेके गया. तो काइनेटिक मूवमेंट जो है रामायण में उसका यू नो सीता के कैरेक्टर और सीता माता जो आप बोलते हो उन्होंने प्रोवाइड करती है. ओके तो हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे. लंका आता है राम और युद्ध होता है, वापस लेके आता है सीता को. अब यू नो पट्टाभिषेक भी हो जाता है अयोध्या में. उसके बाद आप जानते हो शी गेट्स प्रेग्नेंट विथ लव कुश, एंड उस वक्त कोई किसी ने यू नो इसके बारे में लूज टॉक किया, और राम क्या करता है फिर से यू नो आप करते मर्यादा पुरुष राम क्या करता है, उसको लगता नहीं कि सीता ने इतना कुछ से चुकी है ऑलरेडी यू नो, और अभी तो वो प्रेग्नेंट है, मेरी बच्चों का माँ बनने वाली है. एक आदमी को वो लगना चाहिए. मगर राम जी लक्ष्मण को बुला के बोलता है कि आप सीता को यू नो जाके नो वाल्मीकि की आश्रम लेके जाओ, और सीता को कुछ मत बताना. सीता को बोलो कि नो वाल्मीकि की आशीर्वाद लेना है. ओके आशीर्वाद लेके तुम वापस उसको लेके आओगे. जब जाओगे वहाँ पर तब बताओ कि आपको यहीं पे रहना पड़ेगा. पहले भी नहीं बताता
कि तुम्हें जाना है, घर से निकाल रही रहो मैं, नहीं बताता ना। तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है, वो बोलता है राम को करो मत ऐसे। फिर कोई कुछ लोग बोलेंगे तो आप, वो तो अग्नि परीक्षा भी कर चुकी है, ऐसे नहीं कि सीता माँ ऐसी आ गई। सब कुछ करने के बाद तुम अगर ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा? तो फिर मगर राम ने कहा नहीं नहीं एक भी मुझे क्रिटिसिज्म नहीं सुनना है। सो लक्ष्मण टेक्स एंड लीव्स हर देयर, यू नो दैट स्टोरी। देन लव कुशा बॉर्न, बाद में राम आता है ना, वो जो होता है उनका यज्ञ, एंड लव कुश ने वो उस हॉर्स को। तो जब राम उन लोगों को देखता है और लोग बोलते हैं कि पूरा रामायण बोलते हैं ना, और मेरी माँ सीता है ऐसे ऐसे, तो तब राम सीता को कहती है कि हम वापस जाएंगे बच्चों के साथ। उस वक्त भी कंभ रामायण में और सीतायन में एक एपिसोड है जहाँ वो बोलती है, राम तुम सोचते हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया बच्चे कई और राष्ट्र में पैदा करने के लिए, और मैंने पैदा कर दिया, अब तुम्हें कोई तुम्हारी बाद तुम्हारे तुम्हें एयर्स चाहिए, तो दोनों लड़के हैं तो उनको लेके जाने के लिए आप आए हो, लेके जाओ उनको, ज़रूर लेके जाओ उनको भी आप राजा बना दो, मुझे क्यों लेके जाना है वो तुम्हें, फिर से कोई कुछ बोलेंगे और फिर से तुम मुझे मेरा हालात ऐसे ही करोगे, मुझे क्यों लेके जाना है। फिर राम कहता है नहीं नहीं गलत हो गया, इसने एक बार अगर ऐसे बहुत बड़ा गलती हो गया ना, फिर से एक औरत को वापस नहीं आना चाहिए वहाँ पर, चाहे वो रानी बन जाए या जो भी बन जाए। वो बोलती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सीता हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी चूज कर सकती हूँ, अपनी मृत्यु भी चूज कर सकती हूँ। मुझे तुम लगता तुम्हें लगा कि मुझे रावण से डर था, मैं पिछले जन्म में वेदवती बन के रावण को बहुत बार मैंने उसको हराया है, इस जन्म में भी मैं आ सकती थी ऐसे कोई था, मगर तुम्हारी अवतार की पूर्णता के लिए मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी तुम्हें आके रावण को हराने के लिए, मैं तो ऐसे ही कर सकती थी, मगर मैंने सोचा कि अगर आप नहीं आओगे और ये युद्ध नहीं होगा तो आपका अकम्प्लिशमेंट क्या है, लोग आपको क्यों पूजा करेंगे, आपकी अवतार की मतलब क्या है, रामा अवतार की मतलब क्या है। सो आपकी अवतार की पूर्णता के लिए मैं आपके इंतजार कर रही थी वहाँ पर, बहुत बड़ी बात है ना। वो बोल के वो अपनी माँ को भूमि देवी, एक श्लोक है ब्यूटिफुल श्लोक है, भूमि देवी मुझे अपनी गोद में ले लो, तो वैसे ही अर्थक्वेक जैसा होता है ना, वो तो लिखा है वो पोएट, और भूमि जगा देती है और सीता ऐसे ही, सब लोग देख रहे हैं, उन सबको कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ सीता गई अंदर भूमि के अंदर अपनी माँ की गोद में। तो वो है, मुझे बहुत मूव हुआ, वो इतनी स्ट्रांग औरत, इतना स्ट्रेंथ हो, होना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, राम में नहीं था वो स्ट्रेंथ जो सीता में था। तो उसको ऑडियंस को बताने के लिए मैंने किया वो। तो वो भी ऐसे है कि मैं साउथ से हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा प्रियम्बल बताऊंगी। तो साउथ में ना बहुत सारे सॉन्ग्स हैं कृष्ण के, पैदा हुआ कृष्णा, ये कृष्णा छोटा कृष्णा, ये ब्यूटिफुल कृष्ण, जब बड़ा होता है तो गोपिकास के साथ 16,000 गोपिकास के साथ नाचता है वृंदावन में, 16,000, साधारण मनुष्य नहीं है कृष्णा, बहुत ही स्पेशल। तो मैंने सोचा, मैं वृंदावन गई थी और वहाँ पर मैंने सारे ये जो विडोज है उनकी प्लाइट देखी, ये तो 2000 में शायद मैं वृंदावन गई थी,
एक यात्रा होता है, उस यात्रा में वो सब जहाँ जहाँ कुछ हुआ वहाँ पर लोग वहाँ पर कैंप लगा के एक दो दिन रहते हैं और उपन्यास सुनते हैं, और उसके बाद दैट पिलग्रिमेज कंटिन्यूज. सो मुझे वो 3 बार उस पिलग्रिमेज में नाचने के लिए उन्होंने, नाचने मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए, भरतनाट्यम परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाए थे. तो जब मथुरा, उसके बाद मैं बहुत बार मथुरा गई और आई सॉ ऑल दिस वीडियोज. आई सेड कौन है ये, कहाँ से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, फिर कैसे, आई मीन उस उनका हालात देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ. मैंने कहा अगर कृष्णा कृष्णा है यहाँ पर तो इन लोगों का देखभाल करना है ना, ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, कृष्णा को ढूंढ के आ रहा है. और कृष्णा क्या है, कृष्णा हमारी इमेजिनेशन है, कृष्णा हमारी विजन है, कृष्णा वो है जो हमारी दादी माँ ने कहा अरे उनका उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, उनका नाम बुलाओ आ जाएगा. निंदा स्तुति में एक निंदा हाँ स्तुति है, नीन या को नि नहंग्या को नि न नाम द भलवन दिदरेसा को, वाई शुड आई सी योर फॉर्म नीन या एंड वाई शुड आई बी ओब्लाइज टू यू, तुम्हारा तुमसे तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया और मैं तुम्हें नमस्कार करते हूँ, क्यों नहीं चाहिए, तुम भी मत चाहिए, तुम कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी नाम बोलूंगी तो काफ़ी है, मैं ठीक हूँ, सिर्फ तुम्हारी नाम. गजेंद्र मोक्ष ने किया, प्रहलाद ने किया, द्रौपदी ने किया, सिर्फ नाम बोला ना, मैं भी नाम बोलूंगी कृष्ण कृष्ण तुम आ जाओगी. मैं कहा अगर उस को रख के माइंड में ये सारे जो घर से उन्होंने बाहर कर दिया होगा ये विडोज को, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कृष्णा को ढूंढ के, कहाँ है वो कृष्ण, इनकी स्थिति क्यों इतना सैड. सो उस वक्त 2-3 इंसिडेंट भी हुआ था, कोई विडो का रेप हुआ था और सुसाइड, वैसे 2-3 इंसिडेंट्स हुआ था. बहुत मुझे बहुत लगा कि इट्स वेरी सैड एंड वेरी हार्ट ब्रोकन. सो आई वेंट टू पवन वर्मा एंड आई आस्क्ड हिम वेदर ही कैन राइट पोइट्री फॉर मी, विडोज ऑफ वृंदावन की ओर. उन्होंने मेरे लिए इंग्लिश में लिखा था एक पोइट्री जैसे विडोज ऑफ वृंदावन, उसको लेके मैंने आई चोज हिंदी एंड सैंस्क्रिप्ट एंड सॉन्ग्स फ्रॉम ब्रज भाषा की सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, एंड आई मेड दिस स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु इज मैरिड. बचपन से उनको कृष्ण जैसे, शी वॉन्ट टू मैरी समबडी लाइक कृष्णा, उसके मन में तुम्हारे पति कैसे होना चाहिए, कृष्ण जैसे है ना, तो संपूर्ण मानव. बट शी गेट्स मैरिड टू समबडी अगेंस्ट हर विश, दैट मैन डाइज एंड शी बिकम्स अ विडो. सो इवन बिफोर शी हैज लर्न टू लिव हर लाइफ, शी हैज ऑलरेडी लॉस्ट हर लाइफ, सब कुछ गया उनके, ये निकालते हैं ये निकालते. तो सोसाइटी इज वेरी क्रूअल, सोसाइटी है ना, उनमें कंपैशन नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है. संप्रदाय एक होता है मगर उस संप्रदाय में कंपैशन होना बहुत जरूरी है, एम्पथी जो बोलते हो, कंपैशन जो बोलते हो, करुणा, वो भी बहुत बड़ी चीज है, करुणा बहुत बड़ी चीज है, मगर हम लोग करुणा के बात बोलते ही नहीं. संप्रदाय संप्रदाय, अगर उस संप्रदाय से किसी का जीवन मिट्टी में जा रहा है तो उस संप्रदाय की जरूरत क्या है, उसको बदलना चाहिए ना, वो सोच विचार है. संप्रदाय ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, सोच विचार है, उसको बदल भी सकते हो. तो मुझे लगा कि इस सोसाइटी में कंपैशन नहीं है, आई मीन सो दैट इज वाई आई गॉट दिस रिटन. एंड दिस गर्ल शी गेट्स मैरिज, बिकम्स अ विडो, दे टेक अवे हर ज्वेलरी, दे टेक अवे, पुट हर एक वाइट साड़ी पहन के एक बैठो एक कोने में बैठो, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये जो विडोज है ना, विधवा औरतों को अशुभ मानते हैं, और वो बहुत ही गलत बात है.
एक पति होने से ना होने से कोई अशुभ नहीं हो सकता, और उसकी उन्होंने चूज नहीं किया कि वो उसकी पति मर जाए. तो एनीवे देन दिस गर्ल लीव्स द हाउस बिकॉज उस घर में उनको लगा सफोकेट हुआ होगा, लगा होगा कि मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रहा है. तो शी लीव्स द हाउस एंड शी कम्स टू वृंदावन इन सर्च ऑफ कृष्णा. नाउ उस वक्त मैंने वो सारा मेरा पॉपुलर सॉन्ग्स है कृष्ण की, जो हम इमेजिनेशन से करते हैं, क्रिएटिवली करते हैं. कृष्ण कैसे होगा, आई मीन वो 16,000 गोपिकास के साथ वो नाच रहा था वहाँ वृंदावन में, उनका फ्लूट, उनका चेहरा, उनका बॉडी, उनकी स्माइल, सब कुछ मधुरम है ना. अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है. उस मधुर के पीछे भाग के वो उसको ढूंढ के मथुरा पहुंचते. मथुरा में क्या होता है, सिर्फ पांडास है, प्रीस्ट है, सब लोग उनकी एक्सप्लॉइट करते हैं. छोटी लड़की, सुंदर लड़की, अकेली लड़की, कोई परिवार वाल नहीं है, कोई भी नहीं है, विडो है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है. इस लड़की ने आत्महत्या करती है क्योंकि उनको कृष्णा मिलता नहीं वृंदावन में. ढूंढ के मिलते हैं ये लोग, है ना. तो इट्स अ वेरी सैड प्रोडक्शन ऑफ माइंड. मैं पहले ही बोलती हूँ अगर आपको हैप्पी प्रोडक्शन चाहिए तो ये हैप्पी प्रोडक्शन नहीं है, ये सोसाइटी पर कमेंट्री है. इट्स अ कमेंट्री ऑन सोसाइटी.